सरगुजा जिले में स्वास्थ्य विभाग के लिए 200 विभिन्न पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया निकाली गई है। इसमें खास बात तो यह है कि विज्ञापन में एक एडवाइजरी जारी की गई है और कहा गया है कि उक्त पदों पर आवेदन प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थी तंबाकू उत्पादों का सेवन करने का आदि ना होना चाहिए। वहीं इस पूरे सवाल पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि हम ये नहीं कह सकते कि जो तंबाकू और सिगरेट का सेवन करते हैं वो काम में नहीं लग सकते। स्वास्थ्य विभाग यह जरूर कहना चाहेगा कि अगर आप स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं तो अपनी तरफ से भी एक उदाहरण पेश कीजिए। एनएचएम के विभिन्न पदों के लिए अभी एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है, इनिशियल फेज में है वो। अभी वे 3 दिन पहले एडवर्टाइजमेंट हुआ है, उसके तहत विभिन्न पदों का नियुक्ति किया जाना है, जिसके लिए शासन के भर्ती नियम जो हैं उसी के अनुसार वहाँ पे नियुक्ति की जाएगी। इसमें तंबाकू सेवन की रोक के लिए सरकार की जो मंशा है, विभाग की भी जो मंशा है, हम सिगरेट के पैकेट पे ये लिख के उसकी बिक्री की अनुमति दे रहे हैं देश भर में कि ये कैंसर से इसको खतरा है, आपको जीवन